गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास चैप्टर 5। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थिंक एंड शेयर। बिफोर डिस्कसिंग दिस, लेट्स रिवाइज हाउ टू ऐड ing टू द वर्ब्स। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, सिंग प्लस ing, सिंगिंग। हियर you have to add ing simply in this verb sing. Now sleep plus ing, sleeping. Read plus ing, reading. Now look at these words. Observe how the ing is being added. Students, in verbs mein aapko kya karna hai, dance plus ing, dancing. Here when verb ends with e, then you have to drop e, then add ing, then it क्या बन गया फिर ये, dancing. Make plus ing, making. You have to drop e from this verb which is ending with e. Also take, taking. Students, आपको क्या करना है, जो verbs आपकी e से end हो रही है उनमें ई को ड्रॉप करके फिर आई एन जी फॉर्म को ऐड करना है, आई एन जी को ऐड करना है। व्हेन अ वर्ब एंड्स विद ई, वी ऐड आई एन जी बाय ड्रॉपिंग द ई। व्हेन द वर्ब एंड्स विद कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट, वी मस्ट डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट, देन ऐड आई एन जी। तो आपको क्या करना है, जो जिन वर्ब्स में आपके कॉन्सोनेंट आता है पहले, फिर वॉवल, देन कॉन्सोनेंट, then you have to double the last consonant, then add ing. आपको करना है जहाँ पे, आप पता है ना कॉन्सोनेंट क्या होते हैं आपके, वॉवल्स को छोड़ के जितने आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, कॉन्सोनेंट। तो एच क्या है आपका, कॉन्सोनेंट, देन ओ क्या है, वॉवल, देन पी है कॉन्सोनेंट। तो ऐसा जो वर्ब आपके पास होगा जिसमें पहले कॉन्सोनेंट आएगा, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल, देन कॉन्सोनेंट, तो उसमें आपको लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल करके फिर आई एन जी पुट करना है। यू कैन सी हियर, रन, आर इज कॉन्सोनेंट, यू वॉवल, एन कॉन्सोनेंट, देन यू हैव टू डबल एन, देन पुट आई एन जी। यू कैन सी हियर, स्किप, यहाँ पे भी आपका क्या है, के कॉन्सोनेंट, आई वॉवल, देन पी कॉन्सोनेंट, देन यू हैव टू डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट, then add ing. Same in swim, plus am plus ing, swimming. Now students, when you use जब आप ing word use करते हो, when using an ing word you need to use helping verb along with the action word. आपको action word के साथ, एक्शन वर्ड क्या होता है आपका, वर्ब, वर्ब के साथ आपको क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब, जब आप आई एन जी फॉर्म वर्ब की यूज़ करते हो। एज यू कैन सी, ही इज़ राइटिंग, इज इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। हियर मदर इज़ वर्किंग, इज इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। दे आर मेकिंग अ पेपर बोट, आर इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। नाउ लेट्स डिस्कस थिंक एंड शेयर। टॉक अबाउट प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट in your city, town, village, in the class. Make a point to visit these places so that next time you or your cousin visit you, you can take them around. तो आपको ऐसे, मतलब आपको सिर्फ इमेजिन करना है हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में जिनमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी सिटी में है, then you have to discuss that with your cousins, your friends, okay? Next, think and write. There is thank you card. Students, you have to write here a thank you card. Imagine you visited your cousin in the hills. Your cousin took the effort to take you on a beautiful nature trek. Make a thank you card for your cousin in 5-6 lines. Tell him or her how much you enjoyed the visit and all that you saw in the trek. आपको क्या करना है, अपनी फ्रेंड को
अपनी कज़िन को जो है थैंक यू कार्ड लिखना है कि उसने आपको हिल स्टेशन जो आप विज़िट करा अपने अपने फ्रेंड अपने कज़िन के यहाँ, तो उसने आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाई है ना, ब्यूटीफुल प्लेसेस दिखाए उसने, तो आपको उसके लिए थैंक यू करने के लिए उसको एक लेटर लिखना है ना, थैंक यू कार्ड लिखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। सॉरी, तो आपको क्या करना है नेक्स्ट पेज पे, हेयर अ हिंट टू गेट यू स्टार्टेड, यूज अ सिमिलर फॉर्मेट इनसाइड अ थैंक यू कार्ड एज यू डिड व्हेन राइटिंग अ लेटर इन द प्रीवियस चैप्टर। आपको क्या करना है, प्रीवियस चैप्टर में जैसे आपने लेटर लिखा था वैसे आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, अपने कज़न को थैंक यू कार्ड। ओके, थैंक यू।